आज क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा आग्रह सभी मतदाताओं से है कि ये 5 साल में आने वाला इस त्योहार को खूब धूम से मचाएं, खूब खुशी से आनंद से इस त्योहार को मनाएं और वोट करने जरूर जाइए। आप सभी अपना मत का अधिकार जमाइए, जरूर जाइए। 5 साल में आने वाला ये त्योहार आपका भविष्य तय करता है। अभी तक हर साल बनाते हैं हम त्योहार, लेकिन ये वाला त्योहार वाकई में अगले 5 साल कैसे रहेंगे उसको तय कर देता है। और अब तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ 5 साल के अंदर राजस्थान की जो भी हालत रही और 10 साल से जो देश में जो देश की सरकार काम कर रही थी, बिल्कुल फर्क बिल्कुल साफ है। सो मुझे नहीं लगता इसमें मतदाताओं को कोई भी दिक्कत आएगी। आज सुबह से यहाँ पर काफी संख्या में मतदाता आए हैं जी, 7 बजे से पहले, क्योंकि समय तो 7 बजे का था जी। किस तरह देखते थे? जी, सुबह 7 बजे से लेकर मेरे ख्याल से शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग शुरू है। तो शाम को भी जब लोग वहाँ पहुँचेंगे तो जो भी गेट के अंदर होंगे मतदान जारी रहेगा जब तक सब वोट नहीं डालते। लेकिन मेरा 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 आग्रह है कि सब सुबह सुबह अपने घर से निकलें और वोटिंग करें। जैसे हमेशा अंडर करंट की बात कह रहे हैं कि अंडर करंट से सरकार रिपीट होगी। उनको करंट लगने वाला है 3 दिसंबर को। ये बिल्कुल क्लियर है, जो जो लोगों का मूड है, जो पूरे राजस्थान का मूड है, बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी हर घर में है, हर मन में है।